हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल फिजिक्स के, और हमने चैप्टर लिया है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इसका हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1.9। ए सिस्टम हैज टू चार्जेज क्यू ए इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻¹⁷ कूलम एंड क्यू बी इज इक्वल टू −2.5 × 10⁻¹⁷ कूलम लोकेटेड एट पॉइंट ए 0, −15 cm एंड बी 0, −0, +15 cm रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम? देखो स्टूडेंट, हमने ए पॉइंट यहाँ लिया है, बी पॉइंट यहाँ लिया है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, −0, −15 cm। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, −0, +15 cm। यहाँ पे देखो क्यू ए रखा हुआ है 2.5 × 10⁻¹⁷ कूलम। बी पर क्यू बी है माइनस का 2.5 × 10⁻¹ कूलम। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, पहला हमसे पूछ रहा है तो टोटल चार्ज, तो पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, तो वो क्यू ए हमारा हो गया 2.5 × 10⁻¹ कूलम। क्यू बी हमारा हो गया माइनस का 2.5 × 10⁻¹ कूलम। ठीक, अब टोटल चार्ज क्या हो गया बच्चों? टोटल चार्ज में दोनों को ऐड कर दो, क्यू ए प्लस क्यू बी, क्यू ए प्लस क्यू बी, और टोटल चार्ज को क्यू ले लो, तो क्यू इज इक्वल टू हो गया 2.5 × 10⁻¹ और माइनस आ गया 2.5 × 10⁻¹ और नेट हो गया 0, टोटल चार्ज हो गया 0। ठीक है, तो टोटल चार्ज पूछेगा कि व्हाट आर द टोटल चार्ज, तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों ऐड होके 0 हो जाएंगे। अब पूछ रहा है डायपोल मोमेंट, तो पहले हम लोग निकालें डायपोल लेंथ। ठीक, तो डायपोल लेंथ कितनी होगी? डायपोल लेंथ को हम लोग लिखते हैं 2L। क्या लिखते हैं बच्चों? 2L लिखते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो डायपोल लेंथ जब निकालते हैं तो बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं, तो ये है हमारा +15, तो ये हो गया +15 cm। माइनस लगाएंगे फिर −15 cm और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 cm प्लस का। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो जो 2L की हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा 30 × 10⁻²⁰ मीटर। ओके, अब डाइपोल मोमेंट अगर तुम्हें निकालना है बच्चों तो डाइपोल मोमेंट निकालिए। ठीक, डाइपोल मोमेंट, ठीक, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है। ठीक, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है, मल्टीप्लाई कर लो, क्यू वही एक रखेंगे, क्यू ए आर क्यू बी एक रखेंगे, चाहे क्यू ए रखिए या क्यू बी रखिए, लेकिन माइनस छोड़ के रखेंगे, चाहे इसको रखिए चाहे इसको, एक का मतलब मैग्नीट्यूड केवल लेंगे, तो ये हो गया 2.5 × 10⁻¹। और 2L हमारा जो डाइपोल लेंथ है वो है 30 × 10⁻²। ठीक, यानी यहाँ से P की वैल्यू आ गई, दोनों की इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 75 आ गया, और 10 टू द पावर, ठीक,
माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ से इसको P इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो 7.5 10 टू द पावर माइनस का 8, और इसका यूनिट क्या लिखेंगे, Q के लिए कूलम्ब और L के लिए मीटर, तो कूलम्ब इंटू मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं है ये, कैपिटल सी है, कूलम्ब इंटू मीटर। अब देखो स्टूडेंट, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये तो दोनों जीरो जीरो हैं। जेड एक्सिस पर -15 से +15 है, तो एक तो होगी जेड एक्सिस इसकी, और वो होगी इधर देखिए निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, यानी बी टू ए होगी ऑन जेड एक्सिस। तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन बी टू ए ऑन जेड एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस। ओके स्टूडेंट, जो डायरेक्शन होगी वो जेड एक्सिस पर होगी, क्योंकि -15 +15 दोनों ही जेड एक्सिस पर होंगे, ये है एक्स, ये है वाई, और ये होता है जेड। ओके, तो डायरेक्शन हमारी होगी बी टू ए ऑन जेड एक्सिस। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। ओके स्टूडेंट, गुड डे।